क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ चर्चगेट पश्चिम रेलवे एकेसी व वरी मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ मुंबई मंडल के निर्देश में आरपीएफ दादर पोस्ट क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत आने वाले माहिम ईस्ट हर्बल लाइन के पास बनी करीबन 500 झोपड़ पट्टियों में रह रहे लोगों को सीएससी सौरभ त्रिवेदी एसआर गांधी महोदय के निर्देश में निरीक्षक दादर मुकेश कुमार सैनी व जेपी मीना द्वारा स्टाफ के साथ दिनांक 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चला गया, जिसमें लोगों को रेलवे ट्रैक पर खुले में शौच नहीं करने, रेलवे ट्रैक पर परिसर एरिया में कचरा नहीं डालने व रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करने, ऐसे कई जानकारी दी गई, जिसमें हजारों लोगों को समझाकर जागरूक किया गया। इसके अलावा संबंधित विभाग इंजीनियरिंग कमर्शियल व मेडिकल डिपार्टमेंट के सहयोग ट्रैक पर पड़े हुए कचरे को हटाया गया। लोगों को समझाने के बाद नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 131 लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर 47,700 जुर्माने बतौर वसूला गया। वर्ष 2019 में कुल 439 लोगों को रेलवे एरिया में गया गंदगी करने पर कुल 1,15,000 रुपए जुर्माने बतौर चालान बनाकर वसूली की गई। पिछले तीनों सालों में अनाधिकृत रेलवे लाइन पार करने वाले कुल 1,240 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर कुल 6,84,700 रुपए जुर्माने बतौर वसूला गया। इस तरह की गतिविधियों पर पूर्णतः रोकथाम हेतु 15 से 20 स्टाफ को राउंड ऑफ क्लॉक इस तैनात किया गया। इस तरह की कार्रवाई से ट्रैक से गुजरने वाले यात्रियों को मुंह ढककर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। अभी यात्री चलती ट्रेन से राहत के साथ मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। सूरत से मनोज वैष्णव की एक रिपोर्ट।